दा। सर, इस टूर्नामेंट के बारे में आपके ख्याल है? मेरा इस टूर्नामेंट के बारे में ख्याल ये कि जिस तरह बाहर में हमारा डिस्ट्रिक्ट पोलो टूर्नामेंट हुआ था, ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नज़ान व्लॉग। सो व्यूअर्स, अभी दिन के 2 बज चुके हैं, मैं निकला हूं व्लॉगिंग के लिए। तो व्यूअर्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि आज जो है ना दोलोंगुस पोलो ग्राउंड में पोलो मैच का फाइनल है। तो हम इधर आ चुके हैं, तो आगे सीन आपको दिखाते हैं। है ना, मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तकरीबन 3 बजे को मैच होने वाला है। तो अभी कुछ लोग भी आ चुके हैं इधर, तो आप देख सकते हैं। सो एवरीवन, आज का जो मैच है ना वो बहुत ही सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि जो है ना हेडक्वार्टर बुनी पोलो क्लब बमुकाबला है मेस्तूज पोलो क्लब, उनके दरमियान फाइनल खेला जाएगा। तो लेट्स सी। सो व्यूअर्स, अभी जुहेब भाई मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं आगे जो है ना ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड। तो अभी कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ थोड़े देर बाद आएंगे। सो आसी भाई भी अपना मेला जो है ना आगे लगाया हुआ है। तो हम अभी स्टेज की जानिब जा रहे हैं, तो स्टेज बिल्कुल खाली है, तो कुछ लोग इधर हैं, तो बाकी जो है ना थोड़े देर बाद आएंगे। तो ये पोलो ग्राउंड है। सो एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेज में। सो एवरीवन, शायकीने पोलो का आना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं 10 मिनट के अंदर ही काफी कुर्सी कवर हो चुके हैं। दोलोंगुस पोलो टूर्नामेंट 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, तो आज 29 अक्टूबर फाइनल मैच है 29 अक्टूबर को। तो इस टूर्नामेंट में 14 टीमें ने 14 टीम तो तकरीबन 30 मिनट बाद मैच स्टार्ट होगा। उनका जो आमद है वो स्टिल जारी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ आ रहे हैं गाड़ी। आज जो मैच आपके सामने खेला जाएगा वो हेडक्वार्टर बुनी बामुकाबला है मेस्तूज पोलो क्लब। तो हेडक्वार्टर बुनी का जो कैप्टन है वो ज़िया है, और जो है ना मेस्तूज पोलो क्लब का कप्तान आज़ादा सिकंदरुल मुल्क है। ब्लू और व्हाइट शर्ट में जो टीम आपके नजर में आ रही है ये बोनी है क्वार्टर पोलो क्लब है। अभी मेस्तूज पोलो क्लब अभी नहीं आ चुका है, तो थोड़ी देर बाद वो भी सेंटर में नहीं आएगा। Yeah।
की कंपनी मस्तुज पोलो क्लब टीम सेंट्रल लाइन की जानिब आपको बताते चले मोहम्मद इलियास के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चले 60 साल के दहाइयों के बाद मोहम्मद इलियास सबसे नौजवान खिलाड़ी है जो अपने खानदान में इस खेल को दोबारा उरूज तक ले आया। 2018 में मोहम्मद इलियास ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो सबसे पहले चित्राल बी टीम और सी टीम ने ब्लू और व्हाइट शर्ट में मौजूद हेडक्वार्टर भूनी क्लब टीम कैप्टन जियाउर रहमान रेड और येलो शर्ट में मौजूद मस्तुज पोलो क्लब टीम कैप्टन शहजादा सिराजुल मुल्क तो अभी दोनों टीम सेंटर लाइन की जानिब रवाना दबा होंगे कुछ अरसे बाद चीफ बोलो आफ्ताब आलम आफ्ताब चीफ ऑफ बोलो एसोसिएशन बोलो के कुछ रूल्स बयां कर रहे हैं तमाशा दाइयों की तादाद में मजीद इजाफा शायकीन पोलो दूर दराज इलाकों से इस जगह का रुख कर रहे हैं दिलोमस पोलो ग्राउंड के तो आगे धूप है इसलिए नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा तो ऊपर बैठे हुए हैं। सो एवरीवन कुछ अरसे बाद मेहमान खुसूसी ग्राउंड में तशरीफ़ लाएंगे पोलो ग्राउंड में तो इसके बाद दोनों टीमें सेंटर लाइन की जानिब आगे बढ़ेंगे तो फिर मैच का आगाज़ होगा। अपने सामने रखते हैं दिल से रखते हैं जिस रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देते हैं उसी रफ्तार में जबकि पंजाबी दौरे की स्थिति में अगर चलाक होते हैं समझदार होते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है हेडक्वार्टर भूनी के कप्तान जियाउर रहमान भाई तो जियाउर रहमान भाई से हम पहला सवाल ये करेंगे कि टीम में कोई चेंजेस आ चुके हैं या नहीं। सिकंदर वाली को ऐड किया है बाकी वही सेम टीम खेला तो मुशूर की जगह सिकंदर वाली को लिया जो है ना टीम में ऐड किया हुआ है तो मैच के क्या खुशियाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे आई होप कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो उस्ताद है उनके शागिर्द हैं कोशिश ये होगी कि अच्छा गेम तमाशा को देखने को मिलेगा। कैप्टन की जानिब से ये मशवरा है कि इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लेट्स सी। सर इस टूर्नामेंट के बारे में आपके मेरा इस टूर्नामेंट के बारे में ख्याल ये कि जिस तरह बाहर में हमारा डिस्ट्रिक्ट पोलो टूर्नामेंट हुआ था ये भी हम भी इधर शाहजादा साहब का मैनेजर शाहजादा या सुनील साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं उसने बेहतरीन मैनेजमेंट किया है सारे खिलाड़ियों ने सबका और ख़ासकर हम जो पुलिस हमारे बाखुदा तशीफ़ अपना टीम लेके पुलिस से लेके शिरकत फरमाया और जबरदस्त साहब जो हमारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उस इंस्टीट्यूट से टीम लाकर और गोबोर से भी काफ़ी दूर खिलाड़ी आए थे ग्रोश से भी आए थे हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ शाहजादा रियाजुद्दीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने एक बेहतरीन टूर्नामेंट इधर मुखात किया और इंशाल्लाह आपके साथ उसने मुझे बताया कि इसे बेहतर अंदाज में ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि इस टूर्नामेंट में कितने टीमें हिस्सा ले चुकी हैं। इसमें टोटल 14 टीमें हिस्सा ले चुके थे इनमें से एक टीम नहीं है सभी लेने बाकी 13 टीमें हिस्सा ले लिया आज तो क्वार्टर भूनी और मस्तुज टीम के दरमियान हमारा फाइनल मैच इस्लामाबाद में।
थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। शो होएगी जमा सर, अपने टीम में कोई चेंजेस होंगे तो उसके बारे में ज़रूर बताएं हमें, कोई चेंजेस नहीं। हमारे टीम में जिसके इंजरी की वजह से टीम कम कैप्टन है शहजादा सिकंदर यमन, तो नीचे अस्पताल में एडमिट होने की वजह से हम फोटो बॉक्स को डालें, हरीम बॉक्स को। शहजादा सिकंदर यमन सर के वजह से जो है ना वो बीमार है, इसलिए किसी और को बंदे को ऐड किया है टीम में, तो टीम का अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, तो कहना है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। सो व्यूअर्स, इंतज़ार का लम्हा ख़त्म हो चुका है, तो अभी दोनों टीमें पोलो सेंटर लाइन की जानिब रवान दवा। चीफ पोलो, चीफ पोलो एसोसिएशन सेंटर से बॉल ग्राउंड की जानी फेंका जाएगा तो फिर मैच का आगाज होगा। हेडक्वार्टर बोनी राइट साइड को सेलेक्ट किया हुआ है, झपके मैच का आगाज हो चुका है अभी। मिस्टर पोलो क्लब राइट साइड की जानिब वाली भी जाने कोशिश करके करेगा, जब हेडक्वार्टर बोनी लेफ्ट साइड में गोल करने की कोशिश करेगा। कमिश्नर लोयर चित्राल अभी आ चुके हैं और जो है ना कुछ पिक्चर्स निकाल रहे हैं, तो उसको आपको दिखाएंगे। इजहार करेंगे डिप्टी कमिश्नर लोयर चित्राल। अच्छा डी सी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम, यहाँ पे आप हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है चित्राल के जो यूथ हैं उनको आगे लेकर आने में कितनी मदद करेगा? जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आपका बिल्कुल शुक्रिया है। चित्राल पोलो के हवाले से पोलो जो है यहाँ का रवायती शिल्पी है और लोगों का लगाव भी। सो व्यूअर्स, अभी सीनियर पैराशूटिस्ट आ चुका है, तो आप देख सकते हैं वो अभी लैंड करेंगे यहाँ, तो बिल्कुल आगे ही आ चुका है। तो अभी यहाँ लैंड करेगा, अभी लैंड करने वाला है, तो हम इसके सामने जाएंगे। तो अभी फाइनली लैंड कर चुका है।
तो अभी दूसरा हाफ स्टार्ट होने वाला है। इनामात होंगे, बैनर लगाया है सामने, तो अभी कुछ अरसे बाद तकसीम इनामात होंगे। गेस्ट भी आ चुके हैं। देखो अभी वो वाला है शाहिद अहमद, वो कुछ winner team is celebrating this week. वो क्लोज में बोल रहे यार, मैं बस पास हूं। वो क्लोज में बोल रहे यार, बहुत चौक हो जा रहे हैं, बहुत मोटो बोल रहे हैं, वो फार्म बोल रहे हैं। देखो बस है इधर, वो क्लोज में नहीं है, कच्ची बगुना में जाना है, बस तो लाए सभी हम, वो क्लोज में नहीं है, बस रुपए हार देते हैं ये घर में जाना है। चलो उधर जाओ, शाबाश जाओ, वोट ना मुफ साहब वेलकम मुफ्त चौकी तक।
नौजवान आप देख सकते हैं अभी मैच ख़त्म हुआ है तो अभी लोग जा रहे हैं वापस, तो काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, काफ़ी दूर दराज से आए हुए थे। एवरीवन, सच बताऊं तो मैं जो है ना बुनी का फेवर में था, मुझे बुनी का टीम पसंद था, तो क्या करे, क्योंकि जो है ना व्यूवर्स जो मेस्तुच पोलो कप है वो बहुत बार जो है ना विनर हो चुका है पोलो टूर्नामेंट में, तो बुनी को जीतना था, तो क्या करे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो जीतेगा, कुछ कमज़ोरियां थी वो ख़त्म होंगे। तो इतना रश आप देख सकते हैं, अभी गाड़ी जा रही है। सो एवरीवन, आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।